जिस प्रकार गर्मी चरम सीमा पर है और जून की गर्मी मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा पारा जून की गर्मी में होता है, उसी प्रकार से कैथल की राजनीति गर्माई हुई है, क्योंकि कहीं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार तो मैं आपको बता दूं, इस समय मौजूद है हम कैथल के वार्ड नंबर 23 में, जहां पार्षद पद के उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी लीलू सैनी को समर्थन देने पहुँचे हैं और उनके डोर टू डोर करने पहुँचे हैं, उनको जो पार्टी का प्रचार प्रसार करने पहुँचे हैं, उनके अपील करने पहुँचे हैं। मैं बता दूँ, यहाँ पर नायब सिंह सैनी पहुँचे और इन्होंने कहा कि जीत के लिए 100% आश्वस्त है, और क्या कुछ इन्होंने कहा आगे सुनिए। आने वाले 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश खन्ना की नोर, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उनको विजय बनाए। धन्यवाद साथियों, आपके अपने यहाँ से आप सबका चहेता, आपके बीच में रहने वाला वार्ड नंबर 23 से भाई रामवीर लीलू सैनी जी यहाँ से पार्षद के रूप में खड़ा है, और उनको आपने बहुत भारी मतों से विजयी दिलवाने का काम करना है। आज उसके निमित्त हम सबका यहाँ पर आना हुआ, और आपको ध्यान में भी है कि इस नगर परिषद चेयरमैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी इस चुनाव मैदान में कमल के फूल को लेकर के उतरी हैं। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम नगर परिषद की इस चेयरमैन की कुर्सी पर हम श्रीमती सुरभि गर्ग जी को बहुत भारी मतों से विजयी बना करके उसको नगर परिषद में भेजने का काम करेंगे। नगर परिषद कैथल का जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के निमित्त आप सबके चरणों में मैं ये निवेदन लेकर के आया हूँ कि इस वार्ड नंबर 23 से हमारे लीलू सैनी जी आप सबका आशीर्वाद लेकर के साइकिल का जिनका निशान है वो आपके बीच में लेकर के आए हैं, और मैं ये निवेदन आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूँ कि जब 22 तारीख को रिजल्ट आए तो सबसे ज़्यादा बहुमत से इस वार्ड से अगर कोई जीते तो ये लीलू सैनी जी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वह इज्जत भी स्त्री को रिजल्ट आवा, मैं लीला राम को कहूँगा कि सुनो भाई तैं अपने साइकिल पर बैठा ले राहुल गांधी के पास छोड़ दिया, कर देंगे जो काम, कर देंगे ना काम, कि आज मैं 5 बजे से कैथल के अंदर हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और मेरे प्रोग्राम भी वार्ड वाइज चल रहे हैं। लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, कमल के फूल को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को विड्रॉ कर गई है, उन्होंने चुनाव निशान भी नहीं दिया, उन्होंने तो क्योंकि इस प्रकार से हाथ रख दिए, भी ये कांग्रेस का समर्थित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। कांग्रेस की नीतियां गलत हैं, कांग्रेस का विचार गलत है, कांग्रेस की नीतियां देश के विरोधी हैं, कांग्रेस की नीति आम जन के विरोधी हैं, लोगों को भ्रष्टाचार में की दल दल में धकेलने का काम कांग्रेस की नीतियां करती हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीति है, मनोहर लाल जी की नीति है, लोगों को भ्रष्टाचार से बाहर निकालने का काम कर रही हैं, और लगातार देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और मैं आज कैथल के अंदर 5 बजे से हूँ, लीलू सैनी जी और हमारी सुरभि गर्ग जी, उस उनके प्रति लोगों का बड़ा उत्साह, बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा बड़े बहुमत से सुरभि गर्ग जी भी जीतेंगी और हमारे लीलू जी भी जीतेंगे। सुरजेवाला जी का एक बयान आता है कि अगर उसकी उनकी गाड़ी में कोई पर्ची भी फेंक देता था तो वो 4 लाख तो ऐसे ही दे देते थे। देखिए सुरजेवाला साहब, भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार चलाते रहे हैं, वो जो काम करते थे, जो वो मेहनत करते थे उसके लिए मेहनत करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
इसलिए मेहनत करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए मेहनत करती है कि हमने विकास करना है, विकास को आगे बढ़ाना है, ये इसके अंदर अंतर है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है कि लोगों का विकास हो, इसके लिए इसमें बड़ा अंतर है।